बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार। Assalamu alaikum, good morning everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आई होप वेयर एवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। एक पॉइंट ने कितना फर्क डाल दिया भाई जान। आवाज में दम देखें आज, वाह वाह, आज आवाज में दम देखें आप। काफी दिनों के बाद, हाउ मेनी डेज आफ्टर, सो मेनी डेज, सो मेनी डेज, सो मेनी डेज, आखिरकार एक पॉइंट आ गया। आखिरकार भाई जान, इनके 14 पॉइंट थे, मेरे 19 पॉइंट थे, मेरे 21 हुए और इनके 14 से 25 पहुंच गए, तो आप खुद अंदाजा लगा ले मेरे दिल पे क्या छुरियां, क्या छुरियां चली हैं। लेकिन कल हमने वापसी की, आफ्टर ऑल मुंबई इंडियन, थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, स्काई स्काई, मैं हूं ना, यस दिस इज हिट साइन। और उधर से देखे शास्त्री क्या कह रहा है, यहाँ ट्वीट कर रहा है कि फिकर ना कर, तू एनजी परफॉर्म करता रहे, ऐसी सोचते रहना है। बी पेशेंट, बी पेशेंट, की परफॉर्मिंग। केड़ा पेशेंट सी वैसे हो, पेशेंट सी के कल बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मैच भी हम जीते, पॉइंट भी मिला और एक्सीलेंट बैटिंग का डिस्प्ले भी हमने देखा सूर्य कुमार यादव की तरफ से। और सुपर फ्लॉप होता है भाई, हमने देखा क्या 70 फॉर नो लास, और उसके बाद होते होते वो होते तो कोच साहब की टीम है, अब रोशनी डालेंगे ये 164 भी मर 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 के हुआ फिर। तो जी पॉइंट भी मिल गया और मुंबई इंडियन को हमने टॉप पे पहुंचा दिया। टॉप का मतलब टॉप गियर से टॉप और अंदर, अब तो कंफर्म है, अब तो 99% तो कंफर्म है ना, कोई भी हो सकती है पहली या दूसरी, 99.9% क्वालिफाइड, बिल्कुल कर गए, कर गए, कर गए भाई, पहुंच गए। और अब बाकी टीमें जरा देख लें किसने आना हारने के लिए ऊपर, बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो सब शांति है, अमन है, सुकून है। तो हालांकि रोहित शर्मा नहीं है स्टैंड इन कैप्टन, फिर भी उसके बावजूद भी हम मैच जीते और जिस तरह जीते, ठीक ही कमांडिंग में बोलूंगा क्योंकि अभी 5 गेंदें रहती थी। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, मिस्टर सबी अजहर एंड मिस्टर मोहसिन अली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मुझे बड़ी खुशी है, हालांकि आरसीबी हारी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि रिजवान भाई की जान में जान आई है। और मैंने तो बड़े नाश्ते परौठे किए कि इनको थोड़ा सा अलाइव रखें, लेकिन वो एक पॉइंट ही था जो इनको अलाइव रख सकता था, yes. तो वो इनको कल मिल गया है, वो भी मोहसिन भाई की मेहरबानी है, भाई तिक्के तुक्के मार के मुंबई इंडियन को जिता दिया है। इन्होंने कहा जिताया, वो कह रहे थे ओ एक ही कर रहे हो, एक ही कर रहे हो, ओ की हो रहा है, वो तो हम जीत गए जबरदस्ती जी। मोहसिन भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुपरबाद, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा सबने देखा है कि मैं ये कर रहा था, ये आई वाज सेलिब्रेटिंग स्काइज ब्रिलियंट इनिंग्स, ब्रिलियंट बैटिंग, और मैं तो कहता हूँ वन मैन शो था कल। अगर आप बैटिंग की बॉलिंग करें, बैटिंग की बात करें, नहीं बैटिंग की बात, बॉलिंग में आप बुमराह को कहेंगे, बैटिंग में आएंगे तो आप वन मैन शो करेंगे सिंगल हैंडेडली बैटिंग में। स्काई इज द लिमिट, हमेशा कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, और इतने मैसेजेस पोर इन आ रहे हैं, और मैं सिर्फ उनको जो क्रिकेट को समझते नहीं और जो लोग क्रिकेट को रिलीजन की तरह समझते हैं, वो ये फरमाते हैं कि सिर्फ आईपीएल में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म नहीं किया। ओके फाइन, मान लेते हैं सिर्फ डोमेस्टिक में, आईपीएल में, आईपीएल में दुनिया की बेहतरीन एलीट बॉलिंग चल रही है ना, अगर ये बैट्समैन है तो बॉलिंग चल रही है, आप खेलने क्या जा रहे हैं T20 और वनडे? तो T20 फॉर्मेट ही में हो रही है ना आईपीएल, या कोई 80 ओवरों का हो रहा है या 2 ओवरों का हो रहा है? तो भाईजान, इट्स अ प्रूफ, क्लियर इंडिकेशन कि सूर्या हैज ऑल द गर्ड्स, ऑल द फ्लेवर्स, ऑल द टैलेंट, और तमाम डुमनी से लेके बड़े बड़े उन्होंने कहा है इंडियन मिस्टर 360 डिग्री। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि हम में से किसी को कुछ कहना चाहिए। सही है जी, कल का मैच आपने देखा सभी भाई, और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, पहले कमबैक किया विद द बॉल, क्योंकि 7-8 ओवरों में 70-80 हो गया था, कोई पहला आउट हुआ तब जाके, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिटिंग कर रहे थे पॉडिकल और वो फिलिपी,
कमबैक किया, कप्तानी अच्छी की स्टैंड इन कैप्टन पोलार्ड ने, रोटेशन ऑफ बॉलर्स और फिर बुमराह को लेके आए, कोहली से आउट करवाया, 100वीं विकेट भी कोहली, पहली विकेट भी कोहली, वाह 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 वाह, पहली और 100वीं दोनों किंग कोहली को आउट किया भाई। उसके बाद आपने देखा जो रन्स हैं, आखिरी तीन गेंदों पे 10 पड़ गए, वरना 155 160 के अंदर अंदर ही काम तमाम होना था। और जब मैं समझता हूँ इतना बोर्ड पे हो ना तो फिर आप रिलैक्स फील करते हैं, बजाय इसके कि 180 प्लस हो तो आप ज़रा टीम टेंस हो जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमांडिंग विक्ट्री फॉर मुंबई इंडियन। नहीं नहीं, कमांडिंग विक्ट्री और बिल्कुल मास्टर क्लास डेथ बॉलिंग, मास्टर क्लास बैटिंग सूर्या कुमार यादव, और जिस तरह की कल, और फिर एज ए होल अगर मैं मुंबई इंडियन एज ए होल टीम करूँ, इट्स ए टॉप प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। सही है, देखिए हर किस्म जो प्लेयर खेल रहा है वो उसको अपना पता है कि मेरी क्या कैपेसिटी है, मेरी क्या एबिलिटी है, मेरा क्या टीम में रोल है। तो ये एक चैंपियन टीम की जो एक लुक आनी चाहिए, एक परफॉर्मेंस आनी चाहिए, और प्ले ऑफ से पहले जो ये रिक्वायर्ड थी इस तरह की परफॉर्मेंस जो कि कल इन्होंने दी है। और देखें 129 फॉर 5 फॉर 2 15 ओवर। हाँ जी, और मैं सोच रहा था कि 5 ओवरों में ये 50 भी करेंगे, 180 प्लस पे ये जाएंगे, लेकिन जिस तरह की फिर बॉलिंग हुई है और बुमराह ने जिस तरह के बाउंसर्स किए हैं, जिस तरह की उसने जो है ना कमाल की, देखें उसने बिल्कुल एक स्टेज पे थोड़ा सा लगा था उसका डिविलियर्स का कि शायद इसके जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं रन, लेकिन जिस तरह इन्होंने फिर किया, और वाकई आपकी बात से मैं एग्री करूँगा जो कैप्टेंसी थी उसमें, आपको पता है एक ओवर पैटिसन को पड़ा, ये खुद आ गया उधर बॉलिंग करने के लिए। तो ये एक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस होता है उसको अपने आप पे था, और आते ही ए बी गया। सही बात, देखा ना डिप करता हुआ उसने बाउंसर किया, उसको फुल टॉस किया और आउट कर गया, और क्लास की। और फिर देखें जो कल जो सूर्या या देव की जो बैटिंग थी, जो उसकी प्लेसमेंट्स थी, अगर आप गौर करें तो जो प्लेसमेंट्स वो कर रहा था, एक जो उसने छिका चाल को मारा है कवर के ऊपर से, शॉट के ऊपर से, मजा आ गया क्लास। फिर एक बैक फुट पे जाके उसने जो पंच किया है उसको, अपना क्या नाम है, स्टेन को ऑफसाइड शोज के, बिल्कुल रोशन भाई सही कहते हैं, इज अ टच ऑफ क्लास, और वो इंडिया के लिए डिजर्व करता है। बिल्कुल सही है, छक्का उसने स्टैन को मारा है भाईजान, यूं हट के, ओ भाईजान वो छक्का था, हां पीछे छक्का, चले स्टैन अब एंड पे आ गया, करियर की ट्वाइलाइट पे, सब बातें ठीक है, चाहल तो एंड पे नहीं है ना, कवर के ऊपर से छक्का, मिड विकेट पे छक्का, स्वीप पे चौके। तो बात बिल्कुल सही की जी मोहसिन भाई और सभी भाई, ऐसा खिलाड़ी है ये कि जो हमने देखा कि ऑफ साइड पे भी खेलता है, लेग साइड पे भी खेलता है, स्ट्रेट भी खेलता है, विकेट के पीछे भी खेलता है। तो जो बातें कर रहे हैं लोग वो सही कर रहे हैं कि भाई ये भी 360 ही है, आप इसको चांस दीजिए। और आपको शॉट्स देख के कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि आप यू इन्जॉय देयर बैटिंग, जैसे पाकिस्तान के बाबर आजम स्टाइलिश खिलाड़ी हैं, आई यूज़ टू लाइक मार्क वा, अपनी अपनी चॉइस है, रिकी पोंटिंग, लारा एंड सचिन जैसे वो स्ट्रेट बैट से खेलते थे, तो कुछ ऐसे खिलाड़ी होते, महिला जावर देना यूज़ टू लाइक हिम ड्राइवर टू, तो देख के मज़ा आता है। कुछ ऐसे बैट्समैन है जैसे बैटिंग करते हैं, तो कल इनकी जो बैटिंग है, खैर कल नहीं पहले भी हमने देखी है इस टूर्नामेंट में, उन्होंने अपना दिखाया कि क्या उनमें सलाहियत है। तो ये 360 विकेट चारों तरफ खेलते हैं और प्रेशर नहीं लेते, मतलब रन रेट को भी मेंटेन करके, आप देखें इनकी इनिंग्स ही है कि जिन्होंने यू कैन से कि बाकी बैट्समैनों को इतना अंडर प्रेशर नहीं आने दिया, क्योंकि जो इतने स्ट्राइक रेट से 82-85 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं तो क्लास हैं ये, विकेट के चारों तरफ खेलते हैं मोहसिन भाई सभी भाई जी। बिल्कुल, देखें एक चीज़ जो अगर आपने नोट की हो कि मुंबई इंडियन की जो क्लास है, अब देखें रोहित शर्मा नहीं खेल रहा, लेकिन कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसकी कमी है, जैसे CSK कि मतलब हर मैच सुरेश रैना नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन फिर किसी कई टीमों के प्लेयर को अनफिट हुए, को आगे पीछे हुए, उसका टीम पे इफेक्ट हुआ, लेकिन रोहित शर्मा जितना बड़ा प्लेयर है और उसकी जो एब्सेंस है वो टीम में नजर आनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह रिप्लेसमेंट कौन है, ईशान किशन जो है वो लग ही नहीं रहा, वो लग रहा है कि जो है ना क्या कहते हैं डीकॉक से बड़ा प्लेयर है, उसने छक्का मारा मिड विकेट पे स्टैंड को कल, कि वो देखो ना टोन तो वहीं से सेट हुई, फिर ये यादव आया, इसने आके तो फिर किसी को हिलने नहीं दिया। लेकिन उससे पहले की जो एक इनिंग है वो भी जरूर जिक्र करना चाहिए, वो किसकी है, पेडिकल की। पेडिकल देखिए, पेडिकल जो इनिंग खेला है, मतलब जिस तरह वो खेला है, हालांकि वो फिनिश अच्छा नहीं हुआ, फिनिश
180-90 पे होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका। लेकिन वो भी टॉप के पांच बॉलरों के खिलाफ उसकी जो इनिंग थी वो भी क्लास इनिंग थी। आज क्योंकि मैं असल में थोड़ा सा लेट हो गया कि रिजवान भाई ने नंबर लिया और रेवड़ियाँ मेरे घर पर सन और मुँह मिठा करा रहा वहाँ इन्होंने बड़े अरसे बाद एक पॉइंट मिले हुए। मौसम भाई टू यंगस्टर्स पॉडिकल पॉडिकल उनकी बात भी कर लीजिए। सूर्य कुमार यादव जैसे मैं बताया थोड़ी बात करिए, विकेट के चारों तरफ जो शॉट्स खेलते हैं और खूबसूरत शॉट्स खेलते हैं। देखिए रिजवान पार्टिकल का तो अच्छा चल रहा है, चार उसकी सेंचुरी हो गई हैं, लेकिन देखिए उसको मिल रहा है फुल फ्लैज बैकिंग, कॉन्फिडेंस, ओपनिंग कर रहा है, लगातार कर रहा है, डेफिनेटली उसका फायदा होता है। 400 से ऊपर हो गया। आरसीबी का भी लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है आरसीबी की टीम कर रही है इसलिए यस की जगह नहीं बन रही इसमें, यहाँ तक आ गया मामला। स्काई की कह रहा हूँ, स्काई की सूर्य कुमार यादव की जगह इसलिए और बाकियों की नहीं बन रही कि ये आरसीबी की टीम जा रही है वहाँ। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक तो वो अच्छा प्लेयर है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप उसको युवराज से लोग देना शुरू हो गए अभी से तो ये बड़ी ज्यादती होगी। पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जी, पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, अभी बड़ा टाइम लगेगा उसको युवराज के करीब पहुंचने में भी, युवराज बनने की तो बात ही ना करें। यस इट वॉज क्लास रिटन ऑल ओवर इट बट ही शुड हैव फिनिश्ड, जब विकेट्स वर फॉलिंग एट द अदर एंड उसको रुकना चाहिए था, और वो बॉल जिसपे आउट हुआ है वो भी देखने वाली बॉल थी, लेकिन इस पे कमाल बुमराह का था। बुमराह ने ऐसा ट्रैप किया कि फिर लग पता गया, और जो लोग बुमराह को काउंट आउट कर रहे थे वो जी आप तो बुमराह जी वो भाई इतनी जल्दी ना किया करें, यही आपको समझाते हैं, एक इनिंग या एक स्पेल से आप किसी को, एक मैच से आप किसी को बाहर किसी को अंदर मत कर दिया करें। सूर्य कुमार यादव मुसलसल परफॉर्म कर रहा है इस पूरी आईपीएल में, आप देख लें जो वो एक दो आउट हुआ है, ज्यादा एक बॉल बड़ा अच्छा पड़ गया था, उसके अलावा वो या रन आउट हो जाता है या बदकिस्मती उसके पीछे पड़ जाती। अभी उसका मैं पढ़ रहा था कि उसके वालिद साहब हर वेबसाइट और हर देखते थे जब इंडिया ए का टूर वगैरह आता था, और इसका ये कहता था कोई बात नहीं रिलैक्स, तो ये बड़े प्लेयर का इसका मतलब है इसके अंदर वो पेशेंस भी है, जो हमारे यहाँ जल्दी लोग हाथ पाँव भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं मेहनत करना, वो ये नहीं छोड़ रहा, इट मीन्स कि ये अपना काम सही कर रहा है। ठीक है, और पॉडिकल की हमने बात कर ली, उनकी इनिंग्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, हमने जिक्र किया फ्लिपी के साथ बड़ी बेहतरीन उनकी पार्टनरशिप थी, और कैच जो कल उन्होंने एक पकड़ाया वो बिल्कुल युवराज सिंह की याद आई, जैसे वो भी फील्ड में ऐसे बड़े बेहतरीन कैचेस पकड़ते थे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो यंगस्टर्स हैं वो फील्डिंग पर भी बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। तो सभी भाई सूर्य कुमार यादव की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग फिर ये भी पॉइंट उठाते हैं कि इंडियन टीम में जब अभी मौका मिला नंबर वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप में तो डिजास्टर हुआ इनका, कोई एस्टैब्लिश नंबर फोर था नहीं, कभी कोई आ रहा है, कभी डीके आ रहा है, कभी पंत ऊपर आ रहा है, तो कभी विजय शंकर आ रहा है, तो उसके बाद जब इन्होंने मुसलसल मौके दिए वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज़ के टूर से ही ये अय्यर को, श्रेयस अय्यर को जो मौके दिए, तो उसने अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से ग्रैब की, मतलब उसने वहाँ पे पार्टनरशिप करते कराते दो तीन मैचेस भी जितवाए कोहली के साथ, बाकी भी वो यानी उसने नंबर चार की जो जगह है उसको जस्टिफाई किया अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। तो अभी अगर सूर्य कुमार यादव की टीम में प्लेइंग में जगह बने, अगर प्लेइंग 11 में नहीं तो स्क्वाड के साथ तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, लेकिन प्लेइंग 11 में अगर जगह अभी एट द मोमेंट थोड़ा सा मुश्किल नहीं आपको लग रही, अगर तो रोहित शर्मा ठीक हो जाते हैं तो के एल राहुल साथ में ओपनर, वन डाउन है कोहली, टू डाउन अय्यर, या आप समझते हैं कि अय्यर जो कि परफॉर्म करता हुआ आ रहा है उसको हटा के जरा इसको टेस्ट करें स्काई को? नहीं देखिए जो अभी करता हुआ आ रहा है एक फॉर्मेशन बनी हुई है, उनकी टीम इंडिया की सेट है, उसके नंबर सेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसके नंबर को डिस्टर्ब करने के लिए इसको टीम में डाले, लेकिन इसको इसकी परफॉर्मेंस का जो है ना रिवार्ड मिलना चाहिए, एटलीस्ट टीम के साथ हो जाए ना, साथ हो जाए। देखिए जब टीम के साथ होगा, अब अगर टीम के साथ नहीं है, अब अगर नंबर ऊपर वाले चार पांच नंबरों में से कोई अगर जगह बन जाती है, कॉन्फिट हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कौन खेलेगा? ये तो नहीं है। अगर ये टॉप परफॉर्मर है टीम में, बाहर तो हो ना, स्क्वाड में किसी एक स्क्वाड में हो, सही बात है ना, 29-30 लड़के जा रहे हैं, ठीक है, 29-30 में अगर ये नहीं है तो ये अनजस्टिफाई है। इवन देखे ना अब ठीक है कुछ नेट बॉलर्स लेके जा रहे हैं जो भी है, लेकिन इसको टीम के साथ होना चाहिए। आपको जरूरत पड़ सकती है क्योंकि ये कोविड का रूल्स हैं,
बबल सारा कुछ है जो भी कोर्ट ने बनाए हुए हैं, तो वहां पे फिर ये एकदम से जाके तो नहीं जाएगा करेगा, तो इसको रखना चाहिए था। इसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं और जो कंसिस्टेंट आ रहा है, और ये जो अच्छी चीज़ कल मुझे लगी है कि उसका टीम में नाम नहीं है, इवन दो ही परफॉर्म्स मैं हूँ, ठीक है, ये जो एटीट्यूड है ना, ये इसको बड़ा प्लेयर बनाएगा। ये आपको परसों नहीं नजर आया ना जो आप डिफेंड कर रहे हैं ना कि जी टीम में होना चाहिए, टीम में वो आपने फॉर्मेट नहीं चेंज करना, आपने ये नहीं करना, ये हमें परसों नजर नहीं आया यार में ना। कप्तानी नजर आनी चाहिए, अ कैप्टन इज सपोज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब टीम चिप्स वर डाउन, यू आर वर चेजिंग 220, आप वहां पे 120 रन नहीं चेज कर रहे थे, आपने अपना नंबर आगे पीछे किया, नीचे गए, राशिद खान को अवॉइड किया या जो भी किया, वो तो आपको पता होगा। मैं आपको एक स्टैट्स बताता हूँ 2018 से अब तक रन चेज के। सूर्य कुमार यादव 489 रन, 40.75 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट है 138.92। ये आईपीएल का? जी आईपीएल की बता रहा हूँ, 2018 से टिल डेट बता रहा हूँ। अब आ जाए मनीष पांडे, 425 रन है, 35.42 की एवरेज है, 124.63 का स्ट्राइक रेट है। अब आ जाए जी आप सुरेश अय्यर की तरफ, 471 रन है, 29.44 की एवरेज है, 118.94 का स्ट्राइक रेट है, स्टिल नो सूर्य कुमार यादव इन द टीम। ये 2018 से स्टैट्स बता रहा। देखिए इन वो बात में जो सवाल मुझे किया था वो नंबर चार पोजीशन नंबर ऊपर वाले, अब चार पे आयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंडिया के लिए। भाई मिक्स परफॉर्मेंसेस हैं, यू नीड अ कंसिस्टेंट। देखिए आप मुझे चांस देंगे 10-15-20, मैं भी परफॉर्म करूंगा, आप इसको देंगे। बात यह है कि इसको 3 साल हो गए ना, एक दिन हो तो, और फिर जो ये दे रहे हैं वो जी डोमेस्टिक में, भाई 4 दिन की क्रिकेट खेलनी नहीं है वहां पे। जब आप शुभम गिल को डाल सकते हैं 2 फॉर्मेट्स में, वन डे वो भी तो इसी परफॉर्मेंसेस पे डाल रहे हैं ना आप, वो किस पर? संजू सैमसन को आपने डाला है, हालांकि मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूं संजू सैमसन, एक क्लास की इनिंग्स वो खेला है, अगले दिन उसका नाम आ गया। तो ये बात, अगर एक बंदा मुसलसल परफॉर्म कर रहा है तो क्या उसकी जगह 31 में भी नहीं है? नहीं, वो तो मेरा भी यही सवाल है, क्यों नहीं है? तो ये लोग हाथ बचाने में कहने में कि आरसीबी की टीम जा रही है, आरसीबी के लड़के देख लें, इधर मुंबई इंडियन के देख लें, ईशान किशन मुसलसल, अभी आपने खुद अपने मुंह से फरमाया कि हिटमैन की कमी महसूस नहीं हो रही, और मैं इस बात को मान रहा हूँ। दोनों मैचों में उस लड़के ने ओपनर आके जिस तरह अग्रेशन दिखाया, उसने ओवरशैडो कर दिया क्लिंटन डिकॉक को, और क्लिंटन डिकॉक कौन है? वर्ल्ड्स बेस्ट एक ओपनर है वो, इसमें आपको जो, और हमने मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्टनर रखे ही हिटमैन और इसको था, हमने नहीं रखा ढगा भगा बेस्टो और वार्नर को। तो ये तय हो गया, साबित हो गया कि कुछ लड़के ऐसे हैं, रवि बिश्नोई है, क्यों नहीं है भाई? देखिए हम मानते हैं आपके पास टैलेंट है, आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आप छांगा मांगा नहीं जा रहे हैं, आप इतने बड़ी मुल्क में उनकी टीम देखें जो अनाउंस हो रही है, फिर आप देख लीजिएगा। नहीं देखें बात ठीक है, बट आई बिलीव पॉडिकल हो गए या ईशान किशन हो गए, इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं जो कि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, दे शुड बी गिवन कपल ऑफ मोर सीजन के वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन सूर्य कुमार यादव तो कितने 4-5 सालों से मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। हिटमैन ने पहले उसको हिटमैन का एक ट्वीट दिखाता हूं, किसकी जगह जाना चाहिए, मैं आपको ट्वीट कर दूं, एक मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। नहीं उसने पता है अपने, मुझे कल बता रहा था बेटा कि हिटमैन ने ट्वीट किया 2011 दिसंबर 2011 में, उसने रोहित शर्मा ने क्या कह रहे हैं, 2011 का ट्वीट है उसका, just got on with BCCI awards here in Chennai, some exciting cricketers coming up, Surya Kumar Yadav from Mumbai to watch out for in future, 2011 mein aur ye hai 2020। ab agar hitman ki aankh pe hame bharosa nahi hai to fir main kuch nahi keh sakta। नहीं बात ठीक है, काफी 2011 भी उठाने 2020 की आंख पे भरोसा करना है तो फिर आप कोहली की आंख पे भी भरोसा करें। नहीं उसकी आंख पे भरोसा तो हो ही रहा ना, जो लेके जा रहा है वो फिर ठीक लगे, ठीक है फिर ओके फाइन, घोड़ा भी मौजूद है, मैदान भी हाजिर है, थोड़े दिन की बात है, फाइन ओके कोच। काफी आवाजें जो है वो आ रही है इनके हक में, हरभजन सिंह जो इंटरनेशनल क्रिकेटर, इसको नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था, ये क्या बात हुई, किसको नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए था, आप इस पे यूं आए ना, किसको नहीं, देखे रोहित नहीं है, एक मिनट, आपने स्टैट तो बता दिए, आप कह रहे मनीष पांडे का जो स्टैट है इससे कम है, कम है ना, तो फिर उसको नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कह ही नहीं रहा,
मैं ये कह रहा हूँ इसको होना आप चाहिए। कह रहे हैं शुभम गिल अगर एक परफॉर्मेंस पे शुभम गिल को नहीं होना चाहिए तो इसको होना चाहिए। फिर यही कहूंगा कि इसको होना चाहिए। आप ये बताएं ना, मैं क्यों ये बताऊं? आप कह रहे हैं सिलेक्टर हूँ, आई एम नॉट अ सिलेक्टर। मैं तो ये देखिए आप कह रहे हैं कि ये तीन लड़के हैं इसकी जगह पे इसको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह दिया इसे आयर की जगह खेलना चाहिए चौथे नंबर पे, कोई मसला नहीं है। मैंने तो कह दिया, अब और किस तरह कहूं? अगर आप और कहना चाहते हैं, मैं कहता हूं स्काई, यस सूर्य कुमार यादव स्काई इज द बेस्ट प्लेयर। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, इसके पास सारे शॉट है, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता है, स्पिनर को भी। और जो इस पे एक छाप थी कि लेग पे मारता है, कल इसने आपको दिखा दिया कि मैं ऑफ पे भी उससे अच्छा मार लेता हूं। देखिए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिफरेंट है, आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो दिलेर हो। अच्छा कल इशारा क्या किया उसने ऐसे ऐसे, वो क्या कप्तान को कह रहे थे रोहित शर्मा को कि जी आप अगर बाहर हैं बैठे रिलैक्स, मैं हूं ना असल कप्तान को कह रहा हूं या कि मैं हूं ना असल कप्तान, मैं हूं ना असल कप्तान कौन है भाई, मैं हूं ना असल कप्तान तो कोहली है ना भाई जी। अच्छा कल लोग कह रहे हैं जी आई कॉन्टेक्ट हुआ कोहली का, लेकिन कोहली ने कोई तारीफ नहीं की, बड़ा अजीब सा लगा, साथ आके स्लिप में खड़े। खैर उन्होंने कुछ कहा नहीं उसको, ये तो गलत होगा अगर कोई कहे कि कोहली ने उसे कुछ कहा है, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यह है कि तारीफ करनी चाहिए थी जब प्रेजेंटेशन में, हाँ प्रेजेंटेशन में उन्हें कहना चाहिए था, क्योंकि मैच तो सूर्य कुमार यादव ही ने आपसे जीता है असल में तो। हाँ। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन कल तो लग रहा था बड़ा लगदी फगदी था मैच। हाँ, है जुर्माना भी हुआ उनपे दोनों पे, टसल हो गया मोरस का और उसका जो वो तो होना ही था। पांड्या पांड्या छक्का मार के विशांजन इशारे शुरू किए थे, नहीं तो फिर उसने अगली बॉल पे आउट कर दिया ना, उन्हें कहा चल जा उसको सेंड ऑफ दिया। हाँ पहले छक्का बड़ा बेहतरीन बजा थे, फिर उसने कुछ बोला ऐसे वर्बली इशारा वगैरह, फिर अगली गेंद पे आउट हो गया। बॉल कर चल क्या चल जा दोबारा अगली गेंद में, क्या बॉल चुके ले आ बॉल ना चल जा के बॉल करता मतलब यही है ना कि जा बॉल ले, पता नहीं कितने गई है चल ला गया ला के आज फिर अगली आउट हो गया, तो फिर जा रहा बाहर हंसता आया तो भी कह रहा चल जाई तू भी निकल बाहर। तो फाइनल ये नहीं होना चाहिए कि क्रिकेट है इसको इस तरह नहीं, और वैसे भी ये कोई कंट्री वर्सेस कंट्री नहीं है यार, एक इतनी बड़ी लीग हो रही है भाईजान, क्लबों की जो आपस में राइवलरी लगती है ये बेस्ट है। बार्सिलोना रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड बार्सिलोना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी, ये तो लीग क्रिकेट की ये जान होती है, जान 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 होती है। गलत मैसेज है, है ये सही मैसेज। बहरहाल ये आपका मसला मेरा मतलब कि गालम गलौच नहीं होनी चाहिए, वैसे एग्रेशन होनी चाहिए, एग्रेशन एक हद तक होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बदमजगी हो जाए ना, बदमजगी नहीं होनी चाहिए। मैंने आप कह रहे हैं छक्का मार के ऐसे नहीं करना चाहिए, देखें सूर्य कुमार यादव ने भी किया, मैं है ना इट्स अ जेस्चर, ये तहजीब के दायरे में बेहतरीन जेस्चर है, सबको मैसेज चला गया, जिसने जिस तरह लेना है उस तरह ले ले। मुझे तो लग रहा है कि वो अपने कप्तान को रोहित शर्मा को कह रहे थे कि अपने कप्तान ने आर इंजर्ड, वो बड़े कप्तान को बता रहा था कि मैं हूं ना मैं हूं मैं हूं मैं हूं ना शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं मैं हूं ना, कहां तक मुझे इग्नोर करोगे, मैं हूं ना देख लो इधर भी एक बार मैं हूं ना। सही है जी, सही है। तो जी कल वही एक बात एक दफा फिर बोल दे मौसम भाई, पॉइंट किसको मिला कल? पॉइंट मिला है जनाब रोहित द हिटमैन शर्मा रिजवान हैदर साहब को। जी हाँ। गैप कितना है? खैर हमने अभी रिवर्स, आज मैं फिर चार, आज से आपका रिवर्स गियर आएगा और अभी हम आगे की तरफ जाएंगे। चले जी आप आगे की तरफ जाएं, और आज का जो मैच है केकेआर वर्सेस सीएसके, अनदर पॉइंट इज कमिंग फॉर मी। और लीड अभी तीन मैचेस की रहेगी ना, लीड आज रात को दो की रह जाएगी, और अभी जितने थोड़े मैचेस रह गए हैं मैं ये लीड कम करके फिर मैं आगे आगे का सफर जो है वो स्टार्ट करेंगे। यार आगे घर 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 ही आना है सबने, जाहिर है कि हमने वहां पे ऑफिस में तो नहीं बैठे रहना मोहसिन भाई, तो केकेआर एक पॉइंट मिल गया, शुक्र है आपको यार सूर्य कुमार यादव, थैंक यू वेरी मच। हैदराबाद से है और दिल्ली कैपिटल से है, आपके लिए भी जरा थोड़ा मसले मसाइल है, आपको सिर्फ एट द मोमेंट हमारी टीम जो है वो सेफ नजर आ रही है। बाकी जो है अब देखिए सूरत हाल, केकेआर अगर आज जीत जाता है तो उसके भी 14 पॉइंट हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आरसीबी डीसी के बाद वो
तीसरी टीम बनेगी जिसके जो 14 पॉइंट है गेम में, बाकी सारी टीमें अब दिल्ली कैपिटल और आरसीबी, इनको दे नीड टू स्टार्ट विनिंग। और एक तो दिल्ली कैपिटल आरसीबी का आपस में मैचेस आ रहे हैं, एक ही टीम जीतेगी उसमें से, तो ये ज़रा बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो बन गया। सिर्फ सीएसके की वजह से वो ज़रा थोड़ा सा वो हो गया कि चलो वो पहले ही पता हो गया कि वो बाहर हैं, बाकी जो सारी टीमें वो तो अभी तक हंट में हैं। और पंजाब और आरआर, उसके अलावा केकेआर, ये सारी ऊपर नीचे आपको यूनो। लेकिन आज का जो मैच है पंजाब की टीम और एसआरएच और आरआर सारे चाह रहे होंगे कि किसी तरह केकेआर हार जाए, लेकिन केकेआर अपनी पूरी कोशिश करेगा। सीएसके जो के आरसीबी भी चाह रही होगी केकेआर हार जाए, हाँ वो भी चाह रहे होंगे क्योंकि पॉइंट्स जो है ऊपर आ सकते हैं। तो है ना हमारे पास, बात तो वही है, मेक और ब्रेक जो है ना, हम है ना, हम है, चाहे ऊपर से मेकर ब्रेक हो चाहे नीचे से मेकर, हम है, हम है, हम तो सीएसके के खिलाफ मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस तो केकेआर के हैं क्योंकि उनको पता है डू एंड डाई। और सीएसके यू कैन से कि शायद वो वाली एनर्जी ना हो जो के हो सकती है, होनी चाहिए। सिर्फ जो एक चीज होती है ना वो डेंजरस जो चीज होती है ना, वो अब देखे सीएसके का कोई एट स्टेक नहीं है। हाँ वो ऑल आउट जाएंगे, एंजॉय करेंगे, नो प्रेशरलेस खेलेंगे, उसमें वो डिजास्टर कर सकते हैं केकेआर के लिए। लेकिन केकेआर इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस में है, फॉर्म में है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा इनकी भी थोड़ी स्टेबिलिटी का मसला है, करने पे आए तो 195 करते हैं आराम से, ना करने में आए तो 83 पे आउट हो जाएं। कभी नारायण बीच में चल जाता है, कभी नहीं चलते, कभी ऊपर से रन्स बन जाते हैं, कभी नहीं, त्रिपाठी शुभमन गिल, कभी एक चलता है कभी दूसरा नहीं चलता। बॉलिंग इनकी वैसे स्ट्रेंथन हुई है उस फर्गुसन के आने के बाद, अब कमिंस और फर्गुसन दोनों बॉलिंग इनकी अब थोड़ी सेटल हो गई है, सेटल हो गई है। फिर नारायण भी आ गया, ऑल्दो कि उसका एक्शन अब थोड़ा चेंज है, वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक उसका नाम है, जगह पे गेंद फेंक लेता है वो। तो अब ये है कि अगर समहाउ रसल फिट हो जाता है तो फिर इनके लिए थोड़ा दर्द सर बनेगा कि भाई हम किसको बिठाएं। मॉर्गन इज द कैप्टन, तो ऐसे हो गया सेट तकरीबन, पिछली दफा तो सेट लग रहा था लास्ट मैच। मॉर्गन इज कैप्टन, फिर नारायण है, फिर दो फास्ट बॉलर आपने डाले हुए, तो ये बड़ा सोचने की बात है कि भाई किसको क्या बिठाएंगे, क्या करेंगे। तो लेकिन आज अगर ये मैच जीत जाती है तो फिर इट इज़ अ बिट वरिंग साइन फॉर, जैसे बताया कोच साहब ने, इवन के ऊपर की जो टीमें 14-14 उनके साथ ज्वाइन कर लेंगी, बाकी जो नीचे की टीमें हैं वो भी पंजाब और आरआर दे ऑल मस्ट बी वेरी कंसर्न्ड। तो लेट्स सी, मुझे लग रहा है कि आज केकेआर जो है अपना मैच वैसे जीतेगी सीएसके के खिलाफ, और क्योंकि मौसम भाई की जो टीम है वो पहले ही आउट है टूर्नामेंट से, और मे भी थोड़ी सी लीनियंट नज़र आए, लेकिन केकेआर वो तो अपने पूरे रिदम से, पूरे पैशन से, पूरे जोश जज्बे से खेलेगी। सुभान अल्लाह, जी हाँ जी, आपस में चीज लगे मैं थे बैक चले ला रहे हैं सीएसके, एक फर्क है, एक जिता रहे हैं, क्या फर्क है, एक फर्क स्टेटमेंट में है, कल की जो स्टेटमेंट थी और आज की स्टेटमेंट क्या, वो तो आना ही था। कल उन्होंने कहा मुंबई इंडियन जीतेगी, आज कह रहे वैसे लग रहा है केकेआर जीत सकता है, वैसे केकेआर अब ये स्टेटमेंट सर डाउटफुल खुद ही हो गया, नहीं सर डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, हम फटे चुक देने आखिरी 3-4 दिन जो है बड़े एक्साइटिंग है और डे टू डे पॉइंट्स टेबल पे फर्क पड़ेगा ऊपर नीचे। और आपके पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, पॉइंट टेबल की बात कर रहा हूँ यार, अपने पॉइंट पे खुश हो रहे हैं यार। अभी 4 पॉइंट आपने दो पीछे नीचे हो जाना, ताड़िया शक्ल लटक जानी है बिल्कुल, छठे छठे मारो मौसम कल तक मैं ही छठे मार रहा दो मैं नहीं पानी शर्ट चेंज करी जा रहा है, इधर नहीं बैठना इतना, अच्छा मैं शर्ट नहीं पानी, मैं नहीं पहना, आ किने क्या सी भाई, ये भाई जान मैं स्पोर्ट किने क्या सी, किसने क्या, अच्छा परसों दे वीडियो देख लो शर्ट किसने कहा था, ये शर्ट चेंज कर गया और वो शर्ट भाई वो भी हार गई, तुसी अंदाजा लाओ जेडी शर्ट पा रहे हार आ रहे हैं, ओए होए होए कोई हमने तो नहीं कहा था, आज मैं चाहता हम शर्ट पहनेंगे नहीं, हमें ये शर्ट ना पहनाएं, कॉम्बिनेशन ठीक हो गया
मैं तो अंदाज रहा जा आप लोग गवाह है हमने कभी नहीं कहा आप शर्ट नहीं पहनेंगे यार भाईजान वीडियो पे ही है तुसी शर्ट ही धुई पा गए जान बु और वो भी हार गई यानी कि कोई हद ही नहीं एक मैच आप हारे हैं तो क्या हो गया यार अभी बाकी और भी हारने हैं आपने भाई जान अभी मैंने जीतने भी है अभी तो एक एक टीम वाला हो गया चक्कर खत्म अब तो आगे जब आएगा हाँ, फिर मजा आएगा ना हाँ, और आगे तो सैटरडे को तो दो पॉइंट आपसे अभी तो आपने दोनों तगड़ी टीमें अपने नाम पे अलॉटमेंट लेटर ले लिए थे डीसी और मुंबई का क्या डीसी का तगड़ी टीमें आ गई है भाई वो तोबा मेरे आपने बोला नहीं था ओ भाईजान दसो यार खुदा के लिए नहीं अगर डीसी स्ट्रांग थी तो तुसी ला लेनी सी ना तुसी देना ही नहीं सो मैनू तो उस मैच ही देना आपने किसी टीम में नहीं पहनी डीसी की शर्ट क्यों नहीं पहनी तो फिर जब आप नहीं लेते थे आपकी टीम के साथ मैच आता था फिर मुझे मिलती थी यार ये क्या दो नंबर चेक कर ले भाईजान अब आप अपने स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं यार स्टेटमेंट पे कायम हूं पंजाब का मैच हल्की टीम के साथ आया स्ट्रांग टीम आप लेते हो ना तो बस फिर आपको क्या आ रहा है मैंने कहा ना कि आपने डीसी और आरसी वो तो आपने भी तो पंजाब पे वो तो मैं तो दिया हुआ है ना बस यही बात है फिर आपने भी बॉटम टीम ली थी भाईजान इस आईपीएल की पंजाब का रॉक बॉटम है यार इस आईपीएल की पहले की इस आईपीएल फौरन उठ गए जी आज देखना रॉक बॉटम आरसी भी तो मैं ले ही सी वो जापरी स्ट्रांग टीम पे कब्जा किया हुआ है पंजाब वाली तो स्ट्रांग सी जी पांच मैच जीत गए लगातार और जीता है ना मैं जितना ना मैं ओनरशिप राइट लेने जारा नल मिलके कुछ कम पाया ना जनाब ठीक है और बड़े एक्साइटिंग अभी पांच टेबल पेपर नीचे जरा तब्दीली होगी और देखने में मजा आएगा मैचेस बड़े हैं बेहतरीन बहुत मजा और बहुत मजा अभी कल का एक मैच है फिर उसके आगे तो डबल हेडर्स है दो दिन तो उसमें आई विल ट्राई कि मैं जो चलो लीड नहीं तो एटलीस्ट बराबर काम कर दूं जरा बाकी बात करेंगे कायदे आजम ट्रॉफी की और उसमें कल बड़ा एक्साइटिंग एक मैच हुआ है सेंट्रल पंजाब वर्सेस सिंध और खैर तीनों ये अच्छी बात है तीनों मैचेस का रिजल्ट आ गया लेकिन आई डोंट नो पीपल आर अप्रिशिएटिंग अजहर अली कैप्टन ऑफ सेंट्रल पंजाब एंड देयर कोच कि उन्होंने बड़ा ही ब्रेव डिसीजन ले लिया और तकरीबन 50 ओवरों में उन्होंने जो टारगेट दे दिया 214-15 का 10 का कोई टारगेट दिया कि इतने में आप चेज कर लें सिंध वाले इनिंग सूरत जी ऐसी थी कि इतनी जब लीड होगी अभी उनके किसको कहते हैं नीर रिजवान सर ये मैं अभी आपसे पूछता हूँ जो एक परसेप्शन चल रहा है वो भी मैं आपसे पहले लोगों को बता दूँ कि स्टोरी किस्सा क्या कहानी क्या तो 200 अभी उनके साथ ही आउट थे डिक्लेयर कर दिया उन्होंने लेकिन कहाँ यार स्कोर कार्ड खुल जाए एक्यूरेट आपको बता दूँ ना ये जो मैं 210-12-15 कह रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए एक्यूरेट आपको बताऊँ जी सेंट्रल पंजाब ने 243 पे थे 7 आउट से डिक्लेयर हो गया था काम कर दिया और तब तक उनको दो यही 50 ओवरों में तकरीबन 210 का टारगेट दिया सिंध की टीम को तो उन्होंने फेंट फूट के और मैच जो है वो जीत लिया अभी ओवर रहते थे 500 शकील बड़ा अच्छा खेला असद शफीक ने आके उसने भी अच्छे तेज़ रन किए तो आप काफ़ी लोग तो कह रहे हैं जी दे आर अप्रिशिएटिंग अजहर अली के बड़ा अच्छा उन्होंने एक चांस लिया 50 ओवरों में 212-14 रन का उनका के डिफेंड करेंगे वो तेज विकेटों के लिए विकेटें ले सकते हैं सब कुछ तो अब इसमें दो राय हैं सभी साहब आप क्या कहते हैं मैं तो कहता हूं कि यार तकरीबन 5-7 ओवर और उनको कहते खेलते आप 45 ओवरों में 250 या के आसपास पहुंच जाते क्योंकि तेज़ी खेल लेते तो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो जाता अब पहले 10-15 ओवर देख लेते अगर आउट हो रहे हैं ठीक है वरना मैच ड्रॉ होता तो वो वाला सीन बना ही नहीं 4 रन्स पर ओवर 50 ओवर बन जाते हैं और वो बन भी गए हमने देख लिया 4-4 3 तो बन ही जाते हैं ना टेस्ट टाइम में तो उन्होंने थोड़ा सा 2-4 ओवर बहुत तेज़ खेला तो वो मैच लेके निकल गए तो आपकी क्या राय है आप क्या कहते हैं ये कैसा ये ठीक फैसला था ये सीजन का पहला मैच राउंड वन राउंड वन में ये होता अगर कहीं और जाके बीच में होता कि आपको पॉइंट्स चाहिए अभी आप पहले मैच में अपने नाम पे एक तो देखा ना पॉइंट टेबल में आपने डिफीट के नीचे एक वन लिखा दिया फिर आपको पॉइंट भी कोई नहीं मिला तो मैं तो नहीं कह रहा कि ये बड़ा ब्रेव डिसीजन है ठीक है मैं तो कहता हूँ ये बेवकूफाना स्टूपिडिटी मतलब इसमें आपको क्या आपके पास कौन सी बॉलिंग है कि आप उनको 50 ओवर में आउट करेंगे वो कुछ मतलब सिंध की भी टीम सारे सीजन प्लेयर खेल रहे हैं और असल वाली इंजरी से वापस आया हुआ है वही मैं कह रहा हूँ कि ये अब क्योंकि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी आपने डिसीजन ऐसा किया लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि सीजन के स्टार्ट में और फिर देखें अभी तो पता नहीं कितने अप एंड डाउन होने हैं अभी जो नया पॉइंट सिस्टम आया है अभी कौन कितने पॉइंट लेगा क्या करेगा देखें ना सारा चेंज है इस वक्त
देखे कॉम्प्रिहेंसिवली जीती है साउदर्न, ठीक है, लेकिन इस तरह का डिसीजन करके फिर आप खुद मैच हार जाए, 250-60 स्कोर होता तो डिफेंड फिर भी फोल्ड में करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या है कि बस अब हार गए हैं, तो आपका ये बड़ा ब्रेव डिसीजन था जी, बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट थी। आई डोंट थिंक सो। अच्छा जी मोहसिन भाई, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए और... 3 पॉइंट तो उनको वैसे भी ठुकने ही ठुकने थे, फर्स्ट इनिंग की लीड तो सिंध ने ली थी, बेशक माइनर एक रन की भी लीड हो, 3 पॉइंट तो आपके गए। मेरा ख्याल है 50-50 डिसीजन था, उसने कोशिश की। पहले आपको ये देखना चाहिए था आपकी बॉलिंग है इस काबिल कि वो उन्हें 50 ओवरों में 250 भी चेज हो जाता है, 50 क्योंकि ये टेस्ट है, इसमें वाइड बॉल होती है। आपने कहा जी कि 3 पॉइंट तो उन्होंने ले लिए, लेकिन अगर वो ड्रॉ होता मैच वो 3 के डिफरेंस है, 0-3 अब 9 हो गया। ठीक है वो बात आपकी सही है, मैंने कहा 50-50 है, मैंने ये नहीं कहा कि गलत है, ये भी नहीं कहा सही है। रिस्क लेना चाहिए था उस सूरत में जब आपकी बॉलिंग, अब मुझे बॉलिंग पे कप्तान का भरोसा होना चाहिए, जहाँ पे इसको रिस्क लेने चाहिए इंटरनेशनली वहाँ ये लेता नहीं है, और जहाँ नहीं लेने चाहिए वहाँ ये बॉलर हसन अली जो है वो तो इंजरी से वापस आ रहा है। मैंने जवाब दे दिया भाई, स्पिनर है या विकेट वी एंड टियर होगी या फिर आप ऐसे डिसीजन, मतलब 50 ओवरों में 210 मतलब यू कैन से के हो सकते हैं यार, आप 5 ओवर उनको और दे देते वो टारगेट ले जाते 250 के आसपास, 45 ओवरों में 250 मुश्किल लगता है देखने में भी जरा, तो वो जरा आप सिक्योर भी हो जाते और आपका जो एक टेस्ट करना चाह रहे थे बॉलिंग में इतना दमखम है, तो 45 ओवर मेरे ख्याल में काफी थे टेस्ट करने के लिए कि भाई आप के बॉलिंग में दमखम है। दूसरी बात ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे ओ वेख्या फिर सरफराज अहमद जी की टीम ने पाकिस्तान के जो करंट टीम कैप्टन है अजहर अली उसकी टीम को हरा दिया, तो आप बताएं कौन है बेहतर, तो सरफराज ने एक इनिंग्स में किया 10, नहीं है बेहतर मैं बताता हूँ, और क्या पूछना है मुझसे आप, एक इनिंग्स में किया 10 सरफराज ने और दूसरी इनिंग्स में किया 11, तो वही मसला। नहीं 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 ये बात आप गलत कर रहे हैं। क्या सरफराज की टीम जीती है? सरफराज कुछ करे ना करे पाकिस्तान की टीम जीती है, मैं मेरी परफॉर्मेंस ना आवे खैर है, मैं टीम जितानी है बस, आपने परफॉर्मेंस आए ना आए तो बाकी जी परफॉर्मेंस मीन जीरो। बलूचिस्तान ने भी लगा दिया रगड़ा और वो जीते हैं केपीके से 186 स्कोर से जी, 186 स्कोर से वो जीते हैं और कमांडिंग किस्म की उन्होंने फतह हासिल की है, और उसमें हमने आपको बताया था समी असलम बिस्मिल्लाह 8 आउट किए हैं, हाँ 4-1 में। लेकिन अब यासिर साहब के पास है, अब काशे भट्टी ने 4 आउट किए, उसा कटांदे ही नहीं, उन्हें 98 रन भी कीते ने, भी दसो फिर भी नहीं कटांदे। नहीं मैं कह रहा हूँ डिक्लेरेशन के लिए अगर आपके पास इस क्वालिटी के बॉलर हो तो फिर आप चांस ले सकते, समझ आती है ना कि आपके पास ऐसे हो। तो समी असलम के लिए ठीक ही रहा मैच, दूसरे में भी 48 किए उन्होंने, तो बाकी जैसे बता रहे हैं यासिर शाह ने कमाल बॉलिंग की है और अच्छी बात है भाई, बलूचिस्तान टाइम की टीम भी जीती है, और आम बात आपको बता चुके हैं नॉर्दर्न की जो टीम है वो तो पहले ठुस हो गई थी और उन्होंने काफ़ी एक इनिंग्स और 96 रन से मैच हार चुके थे वो, अब दूसरा मैच इनका स्टार्ट होगा अभी, आपको यही 2-3 दिन के डिफरेंस वक्फे के बाद फिर दोबारा इनका राउंड शुरू होगा, लेकिन काफ़ी अच्छी विक्ट्री है एट द एंड सिंध के लिए, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखा, उनको भी शाबाशी है कि भाई उन्होंने भी ज़्यादा तेज़ खेल कर मैच जीत लिया। तो मोहसिन भाई कुछ मैसेज हैं तो वो ले लीजिए, और कल जो है जिम्बाब्वे का पाकिस्तान का मैच है सीरीज, उसका आगाज़ हो रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और कोशिश करेंगे कि वहाँ से जाके आपको अपडेट्स भी दें, और वैसे हम वी विल ट्राई टू टॉक ऑन इट इन टुमारोज़ वीडियो, क्योंकि कल दोपहर को मैच है तो सुबह की वीडियो में हम उस पर भी ज़रा डिस्कशन करेंगे जी। लवजिंदर सिंह हैं जी, अभिषेक कुमार हैं जी, मोंटू हैं जी, संतोष कुमार हैं जी, सुखदीप सिंह हैं जी, जेविश जिंदाल हैं जी, आकाश मलिक हैं, राहुल मौर्या हैं, बलवंत सिंह हैं, राज अनुरव हैं, शुभानाथ दास हैं, डैनियल जी हैं, नमन नगीरा हैं। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट्स करें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, और यस ने रात को कमाल किया है, स्काई है, यस यस क्या यार ये स्काई है, मैं यस यस कर जाता हूँ, आप यस को स्काई समझे, स्काई इज द लिमिट, यस को कैसे समझे, और यार मेरे मुंह से निकल जाता है ना। और ये कोच साहब का चैनल है माय मास्टर क्रिकेट कोच, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइबर्स जो हैं इधर भी स्लो स्लो बढ़ रहे हैं, उधर भी मध्यम मध्यम भर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो थोड़ी स्पीड गाना चल रहा है ना मध्यम मध्यम। तो अपना ख्याल रखें जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।